How to overcome the fear in interviews. Share some inspiration to overcome the fear. ये क्वेश्चन मुझे आया था सैटरडे, इस सैटरडे के Q&A सेशन इंस्टाग्राम में, जहाँ पर मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी कि आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेजिए. सो 6th of November को मैंने स्टोरी पोस्ट की थी और मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे. सो उन क्वेश्चंस को लेकर मैं आंसर कर रहा हूँ आज. राइट, लेट्स गेट टू इट. सो ये जो प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को फेस करने में आपको डर लगता है, बीट इंटरव्यूज, बीट बींग ऑन द स्टेज, बीट मीटिंग समबडी हु इज़ अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर टू यू. लाइक ये जो फियर है, ये जो डर है कि आप किसी इंटरव्यू में जाते हो उससे पहले जो आपको फील होता है, या फिर किसी स्टेज पे जाते हो वो फियर हो सकता है, या फिर किसी एक कम्प्लीट स्ट्रेंजर या अनजान व्यक्ति से आप मिलते हैं तब भी हमें डर होता है कि कैसा फील करूंगा, क्या होगा, कैसी बातें होगी, वो मुझसे क्या सवाल करेंगे, मैं क्या बात करूंगा. ये सभी चीज़ों को हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं सोशल एंग्जाइटी में. और दूसरी चीज़, दिस माइंडसेट ऑफ बीइंग परफेक्ट. राइट, ये दो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, फेयर को. हमें ये लगता है कि मैं किसी इंटरव्यू में जाऊंगा तो मुझे वो इंटरव्यू तो फोड़ ही देना है, मैं स्टेज पर जाके मेरी प्रेजेंटेशन, आई एम गोना किल इट, दुनिया की सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन दूंगा मैं आज. हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस होती है ये. जब हम स्टेज पे जाते हैं, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट कैंडिडेट आज मैं बन के जाऊंगा और इंटरव्यूअर को मैं आज दिखा दूंगा कि मैं ही हूं जिसकी तलाश थी आपको. ये एक्सपेक्टेशंस जब हमारी होती है तब हम इस डर को फेस करते हैं, तब इस ये डर हमारे दिमाग में रह जाता है कि क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. सिंपल सा फंडा है इसका, डियर फ्रेंड, कि चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, चाहे आप किसी से मिलने जा रहे हो, एक्सेप्ट कर लो कि आप इम्परफेक्ट हो, आप गलतियां ही करने वाले हो. ये वर्स्ट केस सिनारियो को पकड़ के चलना है इस केस में. हर केस में ही आपको वर्स्ट केस सिनारियो नहीं पकड़ना है, मैं जस्ट ये चीज़ें कह रहा हूँ कि जिस जिस चीज़ के साथ आपका फियर, आपके मन में डर एसोसिएटेड है, आप वर्स्ट केस सिनारियो को पकड़ लो, वहाँ पे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा. वर्स्ट केस सिनारियो में क्या हो सकता है कि आप हकला जाओगे, आप कुछ उल्टी सीधी बात कर लोगे इंटरव्यू के दौरान, आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, और क्या हो सकता है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ लिया और वहाँ पे आप आंसर नहीं दे पाओगे. सिंपल सा फंडा है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, एक्सेप्ट कर लेना इंटरव्यू में कि सर मैम मुझे ये चीज़ नहीं पता, हो सकता है कि जब मैं स्टडी करूँगा उस बारे में बाद में डिस्कस कर पाऊँगा. सो आई प्रिफर टू नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है अभी के लिए. सिंपल. कुछ कुछ जगहों पर परफेक्ट नहीं होना इज़ अप्रिशिएटेड. अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, सो मुझे अगर कोई व्यक्ति दिखता है कि वो व्यक्ति कंफर्टेबल है एटलीस्ट अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों को लेकर, इसीलिए इंटरव्यूज में क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोज़ ये हैं कि आपने आपकी जो वीकनेस है उसको भी एक स्ट्रेंथ की तरह बताओ. इट्स टोटल नॉनसेंस. मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे सेंस में वो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ वो अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ्स को ही बोस्ट कर रहा है, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो एक इंसान ही नहीं है ना. मतलब अगर वो मेरी कंपनी में काम करने भी आएगा तो वो आई एम समथिंग वाले एटीट्यूड से आएगा. ऐसे लोग किसी भी कंपनी को नहीं चाहिए. हर किसी कंपनी को ऐसे ही लोग चाहिए जिन्हें ट्रेन किया जा सकते, जिनके अंदर ग्रोथ करने की, सीखने की क्षमता हो. सो सीखने की विलिंगनेस और क्षमता उन्हीं लोगों में होती है जो इम्परफेक्ट होते हैं. आपको वो ग्रोथ का स्कोप छोड़ना है कंपनी के लिए या फिर जो आपको हायर कर रहे हैं उनके लिए. सो सिंपल फंडा है डियर फ्रेंड, आप ये समझ लो कि आप जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है वहाँ पर आप नॉर्मली कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे, जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है वहाँ पर आप सिंपली कह देंगे कि सर मैम मुझे ये नहीं पता, आई एम रियली सॉरी.
सिंपल इज दैट। आपका सारा डर निकल जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो। ये प्रिटेंड करने मत जाओ कि मुझे सब पता है। जब जब आप ये प्रिटेंड करते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, वहां पर दिख जाता है कि ये व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, बस दिखा रहा है। तो आपकी हायर होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है वहां पे। लेकिन अगर आप वहां पे एक्सेप्ट करते हो कुछ चीजें कि हाँ ये चीजें मुझे नहीं पता, लेकिन इन इन चीजों में बहुत अच्छा जानता हूं मैं, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी है। सो आपकी स्किल्स को लेकर पॉजिटिव रहो, आपकी वीकनेस को लेकर भी एक्सेप्टिंग रहो। एक्सेप्ट करना उस चीज को। एक्सेप्टेंस ही नहीं होता हमारे अंदर, इसलिए हम डरते हैं। अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मैं जस्ट एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती, वहाँ पर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। अगर मुझे किसी ने कहा, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि बेटा तुम इन 4-5 लोगों को उनके घर पर ड्रॉप कर दोगे, मेरी कार की चाबी लेकर जाओ, अगर मुझे ये प्रिटेंड करना है कि हाँ मुझे तो आती है, गाड़ी आती है, तो मैं क्या करूँगा? दिखाने के लिए उन 4-5 लोगों की लाइफ भी डेंजर में डालूंगा, जबकि मुझे गाड़ी चलाना इतना परफेक्ट नहीं आता। सो इस तरह के सिनारियों में यही माइंडसेट जो है कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, ये किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। स्कोप हमेशा रहना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं, मेरी कुछ वीकनेसेस भी हैं। जहाँ जहाँ पर मुझे अच्छा आता है, वहाँ वहाँ पर मैं आपकी कंपनी की सक्सेस में, आपकी कंपनी की ग्रोथ में मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं इन चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। वहाँ पर आपकी दिखती है ऑनेस्टी। सो आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि मुझे ऑनेस्ट रहना है, मुझे कोई चीज़ को लेकर झूठ नहीं बोलना, मुझे कोई चीज़ को लेकर फेकम फेक नहीं करनी, मुझे कोई चीज़ को लेकर प्रटेंशियस नहीं होना। क्योंकि आप कंपनी के साथ ज्वाइन करोगे, जब उस कंपनी में आप एज एन एम्प्लॉय काम करोगे, आप ऑनेस्टली करोगे, तो ही आप ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज एक व्यक्ति प्रटेंड सिर्फ कुछ समय तक कर सकता है, जब जब वो प्रटेंड करता है तब तब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सिंपल सा फंडा अपनाना मेरे दोस्त, ऑनेस्ट रहना बस। आपकी ऑनेस्टी ही उन लोगों को पसंद आ जाएगी। इन मोस्ट केसेस ऑनेस्टी इज रियली अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। अगर मैं खुद होऊंगा तो मैं भी उसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करूंगा जो ऑनेस्ट है, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट है, एटलीस्ट राइट। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी ऐसा सिनारियो हो जहाँ पर आपको डर लग रहा है, बस ऑनेस्ट हो जाना, आपका सारा डर निकल जाएगा। आपको कोई चीज़ फेक नहीं करनी, आपको कोई चीज़ प्रिटेंड नहीं करनी। राइट एंड बेस्ट ऑफ लक।